हर बार की तरह एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। बीजेपी से टिकट मिलने के बारे में उन्होंने जो बात कही वह भारतीय जनता पार्टी को बुरी लग सकती है। आइए जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या क्या कहा। लोकसभा चुनाव की चर्चाएं और सुर्खियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। लेकिन फिलहाल टिकट को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है शत्रुघ्न सिन्हा की टिकट को लेकर। बीजेपी के लिए अपने तल्ख तेवर के लिए मशहूर बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसी बात कही है जो बीजेपी को परेशान कर सकती है। पटना में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद व बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, इन दिनों लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिलेगा या नहीं। अरे कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ूंगा या नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नोटबंदी से देश को भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई पता नहीं कब होगी, कभी होगी भी या नहीं। यही हालत जीएसटी की भी है। अगर इसमें गड़बड़ी नहीं थी तो इसमें बार बार संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने बयानों के चलते पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी विपक्ष से नजदीकियां बढ़ा ली हैं। मुमकिन है कि वो राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।